Good morning students, welcome to the TSN school. Now we'll start chapter number 10th, the beggar. Beggar means bhikari. What induced a beggar Lashkov to change his ways? Let student find out. इस स्टोरी में हम पढ़ने पढ़ेंगे कि जो लश्कोव नाम का एक भिखारी था उसकी लाइफ में कैसे चेंजेस आए, क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में हम इसमें फाइंड आउट करेंगे. स्टार्ट. काइंड सर, हाउ पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन. फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट. आई हैव नॉट 5 kopecks फॉर अ लॉजिंग. आई स्वेयर इट बिफोर गॉड. For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place, thought intrigues. I fell a victim to calamity. It is year now since I have had nothing to do. कहता है जो लश्कोव नाम का जो भिखारी एक आदमी से जब मिलता है तो कहता है कि श्रीमान मुझ पर दया कीजिए, मैं क्या हूँ, एक भिखारी हूँ, मेरे पास 3 दिन से कुछ खाने के लिए पैसे भी नहीं है और ना मैंने कुछ खाया है. मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे पास 5 kopecks भी नहीं है. जो कॉपेक है वो क्या है, रूस की एक मुद्रा है, मतलब करेंसी है, कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है. और बताता है कि मैं पहले क्या था, कि स्कूल टीचर था और मेरे साथ किसी ने धोखेबाजी करके एक साजिश रचकर मुझे, मतलब मेरा जो पद था, मेरी जो जगह थी, मतलब एक टीचर था, वो मुझसे छीन लिया गया और मेरे साथ बहुत सारी झूठी बातें हुई. इसलिए आज मेरे पास एक साल से ज़्यादा मेरे साथ हो गया और मेरे पास ना कोई काम है ना कुछ, मेरे पास अब पैसे हैं और अब मैं भूखा हूँ 3 दिन से. द एडवोकेट सरगई लुक्ड एट द रेजेड फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लीमेंट, एट हिज डल ड्रैगन आइस, एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चिक, एंड इट सीम्स टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर. जो वकील जो थे सरगई, मतलब जिससे जो लश्कोव भिखारी है वो बात कर रहा था, उनका क्या नाम था, सरगई, वो एक एडवोकेट थे. उन्होंने उस भिखारी को ढंग से देखा, तो उन्होंने जब उसको देखा तो उसने फीके रंग का एक बड़ा सा कोट पहन रखा था और उनके सामने वो गिड़गिड़ा रहा था. और जब भिखारी की आइज़ को सरगई ने देखा तो देखा कि उसकी आँखें क्या थी, नशीली थी. मीन्स पता लग रहा था कि इसने क्या कर रखी है, ड्रिंक कर रखा है, शराब पी लिए, ऐसा देखकर उन्हें लगा. और उसके गालों पर, हाथ पैरों पर कुछ चोट के निशान थे. तो उन्हें, उसे देखकर जो सरगई थे उनको फील हो रहा था कि पहले इन्होंने इस भिखारी को कहीं और भी देखा है. आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ ए पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा, द मेडिकेंट वेंट ऑन, बट आई हैव नॉट द मनी टू गेट देयर. हेल्प मी काइंडली. आई एम अशम टू आस्क बट आई एम ऑब्लिज्ड टू माई सरकमस्टेंसेस. कहता भिखारी कि मैंने जो कालुगा जो राज्य है वहाँ पर मैं काफ़ी अच्छे पद पर था और अब वहाँ से मैं निकाल दिया गया हूँ, इसलिए मेरे पास काफ़ी टाइम से कुछ भी पैसे नहीं हैं. मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, पैसे मांग रहा हूँ या मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ, मगर प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, क्योंकि मेरी जो परिस्थिति है वो मुझे बहुत मजबूर कर रही है ये सब काम करने को. सरगई's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. सरगई की जो नज़रें थी, मतलब जो वकील था, उसने भिखारी के जूतों की तरफ जब देखा तो उसे दिखाई दिया कि एक जूता उसमें से बड़ा था और एक जूता छोटा था, शूज़ जो थे बड़े और छोटे थे. तो अचानक, सडनली मीन्स अचानक, रिमेंबर मीन्स याद आना, तो सरगई को अचानक कुछ याद आया उस भिखारी से रिलेटेड. लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मैट यू द डे बिफोर यस्टरडे सदुव्या स्ट्रीट. स्ट्रीट मीन्स होती गली. ही सेड बट यू टोल्ड मी दैन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सप्लेटेड एंड नॉट ए विलेज स्कूल टीचर, डू यू रिमेंबर. तो जो सरगई था उसने, जब उसको कुछ याद आया तो उसने भिखारी से कहा, सुनो तुम्हें मैंने कल 2 दिन पहले कहाँ देखा था, सदोवाई जो गली है वहाँ मैंने तुम्हें देखा था कल, और तब तुमने मुझे बताया था कि तुम क्या थे, एक स्टूडेंट थे जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, और आज तुम बता रहे हो कि तुम क्या हो, एक स्कूल टीचर थे. तुम्हें याद है कि तुमने मुझे कल कहा था कि तुम क्या थे, स्कूल स्टूडेंट थे. नो दैट कांट बी सो, मम्बल्ड द बैगर टेकन अबैक. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भिखारी ने बड़बड़ाते हुए कहा. आई एम ए विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स.
उसने क्या कहा, नहीं नहीं मैं सच में एक स्कूल टीचर ही था, अगर आप चाहें तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स आपको दिखा सकता हूँ। हैव डन विथ लाइंग, तो जो सरगई था वकील उसने भिखारी से कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, लाइंग मीन्स होता है झूठ बोलना। यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वॉट यू हैड बीन एक्सपेक्टेड फॉर, डोंट यू रिमेंबर। सरगई ने भिखारी से कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझे क्या बताया था कि तुम क्या हो, एक स्टूडेंट हो और किस रीज़न से तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया वो भी तुमने मुझे बताया था, शायद तुम्हें याद नहीं है। सरगई फ्लस्ट एंड टर्न्ड फ्रॉम द रेजेड क्रिएटर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्यूट, दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रली, दिस इज स्वाइंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। सरगई को काफ़ी गुस्सा आ गया इस बात को देखकर कि जो भिखारी है वो क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और जब भिखारी ने सरगई की बातें सुनी तो भिखारी और ज़्यादा मतलब दुखी हो गया, लज्जित हो गया, मतलब उसको शर्म आ गई। तो सरगई को बहुत गुस्सा आया और वो उसके ऊपर चिल्लाया, देखो किसी को भी धन की ज़रूरत हो सकती है, मतलब किसी को भी पैसे की ज़रूरत तो हो सकती है, मगर पैसा कमाने के लिए, पैसा पाने के लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा है, तुम बार बार क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो लोगों से, तो ये तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, इसलिए मैं क्या करूँगा, पुलिस को बुलवाऊँगा और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगा। सर ही सैड लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हर्ट, उसने अपने हाथ पकड़े और सरगई से बात करने लगा। द फैक्ट इज वॉज लाइंग, बोला कि हाँ ये झूठ है कि मैंने, मतलब ये सच है कि मैंने आपसे झूठ कहा है। आई एम नादर अ स्टूडेंट फॉर अ स्कूल टीचर, ऑल दैट वॉज फिक्शन, फॉर्मली आई सैंग इन रशिया चॉर एंड वॉज सेंट अवे द ड्रिंकनेस, बट वॉट एल्स कैन आई डू, आई कॉन्ट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, नो वन विल गिव मी एनीथिंग वैन आई टेल द ट्रूथ, वॉट कैन आई डू। कहता है कि हाँ ना मैं छात्र था, ना मैं स्टूडेंट था, ना मैं क्या था, टीचर था, अध्यापक था, सब मैंने बातें क्या बनाई थी, झूठी बनाई थी, क्योंकि मैं क्या करता था, एक रूस की जो मतलब म्यूज़िक की जो वो होती है, ग्रुप होता है, उसके अंदर मैं गाना गाता था, एक मंडली टाइप की, संगीत गाने की, मतलब गाना गाने वाली जो मंडली होती है उनके साथ मैं काम करता था, और उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया क्योंकि मैं क्या हूँ, एक ड्रिंकर हूँ, ड्रिंकर मीन्स मतलब जो शराब कंटिन्यू पीता है वो मैं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझसे वहाँ से बाहर निकाल दिया। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई काम भी नहीं है, ना मेरे पास कुछ पैसे हैं, इसलिए मैं लोगों से झूठ बोलता हूँ ताकि लोग मेरी मदद कर सके, अगर मैं सच बताऊँगा सबको तो कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, तो मैं क्या करूँ, मुझे खुद को कुछ समझ में नहीं आता। वॉट कैन यू डू, यू आस्क वॉट यू कैन डू, क्राय सर की, कमिंग क्लोज टू हेम वर्क, दैट्स वॉट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क। सरगई उसके पास आके चिल्लाया, तुम क्या कर सकते हो, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम अपना काम, तुम्हें कुछ काम करना चाहिए और मेहनत से तुम्हें क्या करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, काम मैं जानता हूँ, भिखारी ने सरगई से कहा, हाँ मैं काम करना जानता हूँ, बट मैं कैसे काम ढूँढूँ, मुझे कैसे काम मिलेगा। How would you like to chop wood for me? तो सरगई ने उससे कहा, ठीक है तुम मेरे लिए लकड़ी काटने वाला काम करोगे? I would not refuse to do that, but in these days even skilled wood cutters find themselves sitting without bread. उसने कहा कि हाँ मैं ये काम करने से मना नहीं करूँगा, बट अभी तो जो वुड कटर्स हैं, मतलब जो बड़ाई होते हैं, जो लकड़ियाँ काटते हैं, वो तो खुद ही कुछ काम नहीं कर रहे, मतलब अभी फ़िलहाल वो सब बैठे क्योंकि उनके पास कुछ भी काम करने को नहीं है। Will you come and chop wood for me? तो सरगई ने भिखारी से कहा, नहीं तुम मेरे लिए आओ और लकड़ी काटने का काम करो। Yes sir, I will, उसने भिखारी ने हाँ कर दिया। Very well, well, we will soon find out, उसने कहा, ठीक है अब मैं तुम्हारे लिए जल्दी से काम की जो व्यवस्था कर दूंगा। सरगई hastened along, rubbing his hands, he called his cook out of the kitchen. Here, Olga, he said, Take this gentleman into the wood shed and let him chop wood. सरगई ने अपने हाथ मले और रसोई बनाने वाली जो मतलब रसोई में जो काम करती कुक उसे बुलाया और उससे कहा, उस लड़की का क्या नाम था, ओल्गा, ओल्गा से कहा कि इस आदमी को मतलब इस जेंटलमैन को कहाँ ले जाओ, लकड़ी काटने वाली जगह पर ले जाओ और इसे लकड़ी काटने का काम दे दो। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in a perplexity and went irresolutely after the cook. It was obvious
फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कॉन्टेंट टू गो एंड चॉप वुड बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बिन ट्रेपिड बाय हिज ऑन वर्ड्स इट वॉज अब्यूज टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वर्डका एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लाइनेशन फॉर टॉय भिखारी ने मतलब भिखारी को काफ़ी घबराहट तो हो रही थी वो काम करने के लिए बट उसने ओल्गा का पीछा करते हुए वो वहाँ चला गया और मतलब जब वो चल रहा था तो उसे देखकर फील हो रहा था कि इसको ये काम करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला है क्योंकि एक तो पहले से वो बहुत ज़्यादा भूखा था और मुझे लग रहा मतलब सरगई को देखकर लग रहा था कि ये जो भिखारी है ज़्यादा इंटरेस्ट इस काम में नहीं लेगा बट जो भिखारी था फिर भी उसके पीछे पीछे गया और वहाँ जाकर उसने ओल्गा ने जो उसे काम बताया वो काम उसने करना स्टार्ट किया सर्जई हैरिड इनटू द डाइनिंग रूम फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड स्टैंडिंग एट द विंडो सर्गई सॉ द कुक एंड द बैगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड Olga glared breathfully at the companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. Sergei ने क्या किया अपने रूम में गया अपने मतलब डाइनिंग हॉल में रूम में गया वो और खिड़की खोलकर देखने लगा खिड़की से क्या था जो जहाँ पर लकड़ी काटने वाली जो जगह थी वो वहाँ से साफ दिखाई देती थी तो वो वहाँ खिड़की के पास खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था उसने देखा कि जो भिखारी है वो बाहर छप्पर के पास में बैठा है और वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंडी जो ओल्गा है वो भी उसके पास में खड़ी है और जो ओल्गा है वो काफ़ी गुस्से से उसको काम बता रही है और काम करने को बोल रही है और जो भिखारी था लश्कोव जो था वो धीरे धीरे लकड़ी काटने वाला काम कर रहा है क्योंकि उसके अंदर वैसे ही पहले से ताकत नहीं है ऊपर से वो ड्रिंकर भी है तो उसे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था इस काम को सीखने के लिए या इस काम को करने के लिए नेक्स्ट ही सॉ द पेजो टीचर सीट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग एंड बिकेम लॉस्ट इन थॉट विथ हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिट्स द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट स्पैट एंग्रीली एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगेन टू स्कॉल्ड हिम द बैगर irresolutely pulled a bludge of wood towards him, sat it up down between his feet and trapped it feebly with the axe. The bile too wavered and fell down. The beggar again pulled it to him, blew on his freezing hands and tapped it with his axe cautiously as if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. जब मतलब जो सर लश्कोव था वो लकड़ी काटने के लिए जब स्टार्ट किया उसने काम तो उसे गुस्सा भी आ रहा था उसकी जो गाल थे गुस्से से लाल हो रहे थे क्योंकि जो ओल्गा थी वो उसने उसके पाँव के पास लकड़ी फेंक कर मारी और उसे कहा कि जल्दी जल्दी ये काम करना स्टार्ट करो अब जो भिखारी था वो कुछ कह तो सकता नहीं था क्योंकि उसे तो वो काम करना ही पड़ेगा क्योंकि उसे अगर पैसे कमाने तो वो काम उसे करना ही पड़ेगा तो उसने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी को काटना स्टार्ट किया धीरे धीरे उसने लकड़ियाँ काट कर एक मतलब कुछ लकड़ियों का क्या बना दिया इकट्ठा करके एक कहते ना झुंड टाइप का या एक मतलब लकड़ियों का दो चार लकड़ियाँ इकट्ठा करके उसने एक ग्रुप टाइप का झुंड टाइप का बनाकर उसके बंडल टाइप का बनाकर उसके सामने रख दिया और उसे अच्छे से डोरी से बांधकर साइड में पटका और धीरे धीरे लकड़ियाँ काटने के लिए वो स्टार्ट मतलब धीरे धीरे लकड़ियाँ जो थी वो काटना स्टार्ट उसने कर दिया सरगाई एंगर हैड वैनिश्ड एंड ही नाउ बिगेन टू फील अ लिटिल सॉरी एंड शैम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रिंक एंड परहैप्स सिक मैन टू वर्क एट मेनाइल लेबर इन द कोल्ड सरगई को अपने ऊपर काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था और काफ़ी शर्मिंदगी महसूस भी हो रही थी कि उसने एक मतलब शराबी इंसान है ऊपर से वो बीमार भी थोड़ा सा था उसे एक तरह से नौकर बनाकर काम करने को दे दिया है ठंड के मौसम में क्योंकि वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा थी उस चीज़ के लिए उसे काफ़ी बुरा भी फील हो रहा था कि मैंने किसी आदमी को ऐसे काम क्यों करने के लिए दे दिया है सो स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास थैंक यू ऑल